पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बयान सामने आया है। सरकार ने 3 साल में शानदार काम किया है, ये कुछ कहा है डोटासरा ने। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों से किए वादे भी पूरे किए गए हैं, जल्द राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी। भाजपा में आपस में भयंकर लड़ाई है और आमजन के मुद्दों के बजाय विपक्ष लड़ रहा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि डोटासरा का सरकार के 3 साल पूरे होने पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में आपस में भयंकर लड़ाई हो रही है, प्रदेश ने सरकार ने राजस्थान में काफी अच्छा काम किया है। तो 3 साल पूरे होने पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 3 साल में शानदार काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से किए गए वादे भी पूरे किए गए हैं, जो भी वादे किए गए थे। और उन्होंने कहा कि जल्द राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी। भाजपा में आपस में भयंकर लड़ाई हो रही है, ये कुछ कहा है पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बयान सामने आया है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि सरकार ने 3 सालों में शानदार काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से किए गए सभी वादे पूरे किए गए हैं, जल्द राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी प्रदेश में। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी हमला साधा और कहा कि भाजपा में आपस में भयंकर लड़ाई चल रही है।